हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी आईक्यू। दिस इज विपुल मलिक और आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री का आज पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्री का। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, और उसका पार्ट वन है जिसमें हम ट्रायंगल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आपको अगर ये भी नहीं पता है ना कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्यों होता है, तो वो भी बच्चा जो है समझ जाएगा कि कहाँ से हम ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। और बिल्कुल बेसिक से जिसको कुछ नहीं आता ज्योमेट्री का वो अब सीख जाएगा, ठीक है। और इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट किस किस के लिए है। जो किसी SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो CGL आपका, CHSL आपका, RPF बैंक, RRB आपका, रेलवे का, जैसे ग्रुप डी और ALP चल रहा है अभी, एयरफोर्स XY ग्रुप जो 12th के बाद एग्जामिनेशन होता है आपका, FCAT है, CDS है, NDA, MCA के एंट्रेंस होते हैं आपके, जैसे NIMCET है, ICMT है। MCA के एंट्रेंस में भी एडवांस मैथ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, जिसमें ज्योमेट्रिक बहुत ही मेन चैप्टर है एडवांस मैथ का, ठीक है, और UPSC में भी। तो ज्योमेट्री को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल मन लगा के पढ़ेंगे, एक एक पार्ट इसका देखना है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हर एक पार्ट की ज्योमेट्री का, जो भी पार्ट मैं आज एक पार्ट कर रहा हूँ, कल सेकंड थर्ड फोर्थ आएंगे, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक आपको मिलती रहे। बिल्कुल, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए, जो घंटी आती है उसको ऑन करके रखिए, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास में, ठीक है गाइस। तो ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री आपने बचपन में पढ़ी होगी, 6th-7th क्लास में ज्योमेट्री आ जाती है। तो उसमें बेसिकली कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं आपने, देखिए और लोगों से भी ज्योमेट्री काफ़ी लोगों से पढ़ी हुई होगी, आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सिर्फ कंपेयर करना आपने जो पढ़ा है, उन्होंने जो पढ़ाया है और जो मैं पढ़ाऊंगा, उनको सिर्फ कंपेयर करना आप, ठीक है। वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा पॉइंट, सेगमेंट, लाइन, इन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं सीधा ट्रायंगल से आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। और ट्रायंगल बताऊँगा पहले, और ट्रायंगल में अभी आप ये भी जिक्र नहीं करोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या फिर टाइप क्या होते हैं ट्रायंगल के, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रायंगल होता है, तीन भुजाओं वाला एक कोई चीज होती है ट्रायंगल, सिर्फ इतना ही समझना अभी, वो आगे चल के बताऊंगा मैं सब कुछ, ठीक है। ट्रायंगल से स्टार्ट करें, जिसको हिंदी में हम त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी जो है तीन भुजाएं होती है, ऐसा कुछ दिखता है ट्रायंगल आपका। तो ये एंगल ए है, ये बी है, सी है, इन्हीं के सामने, जैसे एंगल सी के सामने वाली की साइड ये है तो मैंने इसको सी बोल दिया, एंगल बी के सामने साइड ये है तो इसको मैंने बी नाम दे दिया, और एंगल ए के सामने ये साइड है इसको मैंने नाम ए दे दिया, ठीक है गाइज। तो अब ये देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रायंगल कब बनता है और उसकी कंडीशन क्या है। सबसे पहली बात, ट्रायंगल बनने के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि ये कोई तीन साइड है, एक की लेंथ 7, एक की 5, एक 2, इनसे ट्रायंगल बन जाएगा। सोच के देखिए, ये 7 की आपने लाइन खींची, ये एक चाप आपने 5 का लगाया, एक ये 2 का लगाया, तो ट्रायंगल तो नहीं बन पाया ये, ठीक है, आपने नहीं बना पाया ट्रायंगल। इससे बना के देखे, 7, 4, ये 4 है, 4 और 2 बन जाएगा, नहीं बनेगा, 7 ये 4 का चाप लगेगा, 2 का, नहीं बनेगा ट्रायंगल। इससे बना के देखे, बन जाएगा ट्रायंगल, बिल्कुल बन जाएगा। ये आप लगाओगे, ये यहाँ पे बना लेते हैं, ये आप 8 की लाइन खींचोगे, आप एक यहाँ पे चाप लगेगा, एक यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल बन गया, ये 5, ये 4, ये 8, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि उन साइड से ट्रायंगल नहीं बन पा रहा था, इन साइड से ट्रायंगल बन पा रहा है? इसके लिए पहली थ्योरम है ट्रायंगल की, वो देखिए, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जो दो साइड का सम है, दो साइड का जो आपका सम है, वो हमेशा ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा किसे, थर्ड साइड से। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तीन साइड है, किसी भी दो साइड को आप उठा लो, उनका जब मैं जोड़ करूंगा तो वो तीसरी साइड से ज्यादा मिलेगा। इस दो को उठा लो, इससे ज्यादा मिलेगा, इन दो को उठा लो, इससे ज्यादा मिलेगा, इन दो को उठा लो, इससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आप ये यहाँ से देख लीजिए, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, प्लस बी ग्रेटर देन सी, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, किसी भी दो साइड का ट्रायंगल की, किसी भी दो साइड का सम जो है एक साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये पहली आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है, कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होगा किससे, थर्ड साइड से। इस बात को समझिए, ये ट्रायंगल आपका, ये ट्रायंगल है, देखिए किसी भी दो साइड का अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो वो हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड से। अब एक बात आप मुझे बताइए, बहुत बेसिक सी, कि आपको डिफरेंस पता है, डिफरेंस क्या होता है? एक होता है माइनस और एक होता है डिफरेंस, इनमें अंतर क्या है?
देखिए मैं 5 माइनस 8 कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास में, -3, ठीक है। और मैं 5 माइनस 8 का डिफरेंस कर दूं, ये तो मैंने माइनस किया है तो 3 है, तो मेरे पास में 3 आएगा। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिफरेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। इसलिए मैंने यहाँ पे मोड लगाया हुआ है, देखिए मोड लगाया हुआ है तीनों कंडीशन में, तो इसलिए ये हमेशा क्या है पॉजिटिव आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गया आपकी, किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होगा। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 से जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको लग रहा हो कि मैं या क्या ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, इन पे क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आते हैं। ये देखिए आपका एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़िए क्या है, इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 8, B and 14, दो साइड दिए, एक का नाम बी दिया हुआ है, एक 8 है, एक 14 है और एक बी का नाम दिया है, ठीक है। देन ये 4 ऑप्शन दिए आपको, बहुत अच्छे, इनमें से बताना आपको कि बी किसके बीच में लाई करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो प्रॉपर्टी बताई, उन दो प्रॉपर्टी को ध्यान कीजिए, किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी से ग्रेटर होगा, किसी भी दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से कम होगा। समझ आया आपको, ये ऐसे समझिए इस बात को, कोई एक साइड है ए और दूसरी साइड कौन कौन सी होगी, फिर बी और सी, बी और सी का डिफरेंस हमेशा क्या होगा इससे कम होगा, और बी और सी का जो सम होगा वो इससे हमेशा ज्यादा होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी, दोनों बातों को मैंने एक जगह मिला के लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दो साइड आपको दी है, एक 8 है, एक 14 है, तो आप इन दो में से 8 और 14 का डिफरेंस क्या आएगा, 6, 8 और 14 का सम क्या आएगा, 22, और बीच में क्या आएगा, बी। ये ऑप्शन देख लीजिए आपका, ये रहा, सम से हमेशा छोटा होगा, एक कोई भी एक साइड दो के सम से छोटी होगी, सॉरी दो के सम से, हाँ दो के सम से छोटी होगी और दो के डिफरेंस से बड़ी होगी कोई भी एक साइड, तो ये आपका आंसर आ गया। ये दो प्रॉपर्टी समझ आ गई आपके, चलिए आगे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीसरी प्रॉपर्टी बोलते हैं सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, किसी भी तीन कोणों का, किसी भी नहीं मतलब तीन ही कोण होते हैं, सॉरी तीन ही एंगल होते हैं किसी ट्रायंगल में, उन तीनों जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री होगा, ये कहता है तीसरा। आप मुझे एक बात बताइए, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री होता है। अब इसी एंगल को मैंने तोड़ दिया ना ऐसे करके, ये ट्रायंगल जो बना है इसी एक लाइन को तोड़ दिया, तो इनका भी तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये आपको याद रखना है। चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्या बोलते हैं चौथी प्रॉपर्टी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है, तो इनकी जो साइड है ना सामने वाली वो भी इक्वल होंगी। एंगल बी के सामने साइड कौन सी है, ये वाली है, एंगल सी के सामने साइड कौन सी है, ये वाली है। अगर इनके एंगल सेम है ना तो साइड भी सेम होगी। अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ ये तो बात होगी, और बी और सी की अगर मैं बोल दूं एंगल बी और सी सेम है, सॉरी ए और बी सेम है, एंगल ए और बी सेम है, तो ए के सामने साइड कौन सी है, ये है ए, ठीक है, और एंगल बी के सामने साइड कौन सी है, ये, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। समझ गए आप मेरी बात, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एंगल बी अगर ग्रेटर है एंगल सी से, ये वाला केस देखिए, अगर एंगल बी ग्रेटर है एंगल सी से, ये जो एंगल बी है किससे बड़ा है, सी से, तो बी ग्रेटर देन होगा सी से, ये जो साइड है बी आपकी ये किससे बड़ी होगी, सी से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब आपका एंगल बी बड़ा है ना तो इसके सामने की साइड भी बड़ी हो जाएगी। जब देखिए अब ये एंगल बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, अब ये एंगल क्या है, इतना है, अगर मैं इस एंगल को बड़ा करके इतने से अगर मैं बड़ा कर रहा हूं तो मान लिया अब ये एंगल हो गया इतना, तो साइड कौन सी बढ़ गई आपकी, अब ट्रायंगल क्या ऐसा हो गया, तो ये वाली साइड बढ़ गई ना आपकी, यही तो बोला यहाँ पे बी ग्रेटर देन होगी सी से, ठीक है, आई समझ बात आपको। तो अगर बी बड़ा है तो उसकी साइड, उसके सामने की साइड भी बड़ी हो जाएगी, अभी बी इतना है, फिर बी अगर आगे चल के इतना हो जाएगा तो ये साइड बढ़ गई ना आपकी, ये बात आपको आ गई समझ। अब ये बोलता है कि अगर एंगल सी बड़ा है बी से तो उसके सामने की साइड बड़ी होगी, देखिए अभी ने बोला कि एंगल सी बड़ा है तो ऑब्वियसली ये इसके सामने की साइड बड़ी हो जाएगी, ये जब ऐसे बढ़ेगा ना एंगल ऐसे बढ़ेगा तो ट्रायंगल आपका ऐसा बनेगा, ये साइड बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी बात है, ध्यान से समझ लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, अब आप सोच, आप लोग ये मत सोचे कि ये बात है इस पर क्वेश्चन नहीं आता होगा, उस पर क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बता दूंगा आपको हर चीज़ पर क्वेश्चन आता है,
ऐसी कुछ चीज नहीं है जो ढूंढने से मिलती नहीं है, और वो जो पेपर सेट करते हैं ना उनको सब ढूंढना आता है, हर चीज पे क्वेश्चन बना के देते हैं वो, जहां आप ये सोचते हो ना यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा वो वही क्वेश्चन बना देंगे, समझिए आप। इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 145 डिग्री, एंगल और ए और बी का सम कितना 145, और एक दिया आपको टू एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन आपको कुछ कंडीशंस दी हैं, ये चार, इनमें से एक कोई सही है आपको वो बतानी है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए क्या क्या क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, पहले ये एंगल मैंने फाइंड करके लिखा है, अभी आप भूल जाइए इनको, ए बी और सी जैसा कि अब तक हम करते आ रहे हैं, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी, ये सब मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आपको पहली थ्योरम से क्या पता है कि पहली प्रॉपर्टी से ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, वी नो, ठीक है, और गिवन क्या है टू एंगल बी प्लस सी कितना 180 डिग्री। अब ये दोनों अगर 180 के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे, ठीक है, तो मैंने इक्वल रख लिया इन दोनों को, सी से सी कट जाएगा, एक बी से एक बी कट जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू बी आ गया आपका। अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये देखिए, अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये और ये वाला एंगल, ठीक है, तो एंगल सी तो मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं, कर सकता हूं ना, कैसे करूंगा, यहां देखिए एंगल ए और बी का सम कितना दिया है 145 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल ए और बी, ध्यान से सुनना मेरी बात, एंगल ए और बी 145 है तो तीनों 180 होते हैं, तो ये कितना बच गया, ये 35 बचेगा, आ गया आपको समझ, ये अगर ये दोनों मिलके 145 है एंगल ए और एंगल बी, तो ये 35 ही तो बचेगा, 180 में से 145 गए 35 बच गया, ठीक है। अब इन्होंने, हमने क्या निकाला है, एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल है, दोनों का सम कितना है 145 डिग्री, तो मैं इसको दो से डिवाइड कर देता हूँ, 72.5 आ गया मेरे पास में, तो ये भी 72.5 है और ये भी 72.5 है, ठीक है, आपके पास में आ गया। निकालना क्या था आपको, कंडीशन निकालनी है। अब मेरे पास में सिंपली क्या आ गया, एंगल बी तो है 72.5, एंगल सी है 35, एंगल बी ग्रेटर है आगे एंगल सी से, तो एंगल बी के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, यानी कि ए सी बड़ी होगी, किस से, ए बी से, ये मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, तो ए सी बड़ी होगी ए बी से। अब ये देखिए आपका कौन सा जो है कहाँ लिखा हुआ है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, आप वो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं पांचवी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कितनी प्रॉपर्टी होगी अब तक आपकी, पांच प्रॉपर्टी, समझ गए आप, और पांचवी प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपकी, आप मुझे एक बात बताइए, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये एंगल ए एंगल बी है, और ये कितना होगा फिर 180 माइनस ए माइनस बी, भाई इसमें से ए भी घटा दिया ये भी घटा दिया और टोटल होता है 180 माइनस ए माइनस बी, तो ये एंगल इतना हुआ ना, तो ये बाहर का और ये एंगल भी टोटल 180 होता है, तो बाहर का कितना आएगा ए प्लस बी, ये तो ईजी है ना बहुत, देखिए एक अगर ये 180 माइनस ए माइनस बी होता है और टोटल कितना होता है आपका, टोटल ये 180 होता है, अगर इसे दोबारा से मैं 180 करूं तो इसमें ये कितना आएगा प्लस ए प्लस बी, वो कट जाएगा आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप सम करके देखोगे, भाई ए से ए कट गया बी से बी कट गया 180 आ गया ना, ठीक है, तो भाई इससे क्या निकल गया आपका, ये एंगल ए और ये बी है दोनों को सम आ गए, तो ध्यान से समझिए नीचे प्रॉपर्टी क्या लिखी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये त्रिकोण के ये त्रिभुज आपका इसके बाहर का एंगल है, ये एंगल बी जो है किसका किसके मतलब किसके सम के इक्वल है, तो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ये भी है लेकिन उन्होंने बोला अपोजिट, ये अपोजिट नहीं है, इसके अपोजिट कौन है, ये दोनों, ये तो इससे टच हो रहा है, ये टच नहीं हो रहे, ये दोनों, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, ये थ्योरम भी यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए 120 डिग्री, एंगल डी बी सी जो है डबल है किसका, एंगल ए बी डी का, डी बी सी देखिए कहाँ है, एंगल डी बी सी
कहाँ देखे, डी बी सी ये एंगल है किसके डबल है, जो एंगल डी बी सी है वो डबल है किसके, ए बी डी के, ए बी डी यानी कि ये एंगल जो है इससे डबल है ये वाला एंगल, ठीक है। और ये सेम यहाँ बोला गया, ये जो एंगल है ये डबल है ये, मतलब इसका दो गुना एंगल ये है, यानी कि ये वाला एंगल इसका डबल है, ये वाला एंगल इसका डबल है, ठीक है। और ये हमको गिवन है एंगल ए, तो बी डी सी बताना आपको, बी डी सी ये वाला एंगल बताना है। चलो चलिए फाइंड करते हैं। आपको पता है कि इन्होंने क्या बोला है कि एंगल ए 120 डिग्री है, एंगल के तीनों जो वो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 120 है, ठीक है। और ये कितने होंगे, 180 माइनस 120, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, दोनों का सम 60 होगा। तो इन्होंने बोला ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कुछ भी, अभी आप ये मत सोचना कि मैं मान क्यों रहा हूँ क्यों नहीं मान रहा हूँ। देखिए मैंने मान लिया ये 10 है, तो ये इसका डबल कितना हो गया 20, ये 10 है ये इसका डबल हो गया 20, ठीक है। ये अब ये 20 20 कितना हो गया 40, तो टोटल ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, 30 60 हो, 120 180 हो गया, तो सम तो 180 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 प्लस 20 कितना होता है 40, और टोटल कितना होता है एक ट्रायंगल का सम, एंगल के ट्रायंगल का सम, सॉरी ट्रायंगल के एंगल का सम 140, तो ये कितना हो गया, ये 140 आ गया। 180 होता है ना, 180 माइनस 40 180 माइनस 40 140, ठीक है भाई। ये 20 है, ये 20 है, 20 20 40, 180 में से 40 गए तो 140 आ गया ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको इक्वल क्यों मान लिया, चलिए भाई नहीं मानते इक्वल, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने बोला कुछ भी, तो आप इसको जीरो मान लीजिए, ये जीरो है, तो ये इसका डबल होगा, जीरो का डबल क्या होगा, जीरो ही होगा, ये भी जीरो हो गया, ये कितना हो गया, ये होता है आपका 60 है टोटल, 60 में से ये मुझे इसका डबल रखना है, 60 में से मैंने इसको मान लिया, ये 60 में से इसको मान लेता हूँ मैं 20, ठीक है। और ये इसका डबल है कितना 40, तो टोटल कितना होगा 40 प्लस 20 60, 60 और 120 180, ईजी है। तो फिर से वही बात, ये जीरो है ये 40 है, 180 में से 40 गए, फिर से 140 आ गया आपका, तो भाई कुछ भी कर लो आपका आंसर जो है 140 ही है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका 140 करेक्ट है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो भाई क्वेश्चन समझिए क्या बोला आपको, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ये पूरी ए सी है, ठीक है। तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सी डी ई बताना, ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, ए डी कहाँ है आपका, ये ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, ये इसके इक्वल है इतने के, ठीक है। तो भाई इन ये एंगल भी इक्वल होंगे आपस में, तो मैंने शुरू में क्या मान लिया, इसको मैं 50 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने 90 मान लिया, भाई मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी मान सकता हूँ अभी, तो अभी फाउंडेशन कोई है ही नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल है, सिर्फ इतना दिया क्वेश्चन में, इसको मैंने 90 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, इसको आपने 50 मान लिया, ये कितना बचेगा 40 बचेगा, ये इसके इक्वल है तो ये भी 40 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बात घुमा फिरा के कहाँ आती है, बात घुमा फिरा के ये आती है कि आप ना स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, ये 50 जो एंगल है तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ना कहीं से भी स्टार्टिंग कर दो, किसी से भी, भाई मैंने बोल दिया कि ये 90 डिग्री देखने में भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने बोल दिया कि 90 है, जिसको जो रोकना है रोक लो, ठीक है, ये 90 है। तो आप, मैंने बोला स्टार्टिंग कहीं से भी कर लो, मैंने यहाँ से कर दिया 90, 90 प्लस 50 कितना होगा 140, और बचेगा कितना, ये 40 आ गया, ये साइड दोनों इक्वल है आपस में, तो ये भी कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब 40 40 80, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बच गया 100, और ये 50 है, तो फिर ये भी कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है, तो 180 में से 50 गए तो 130, ये दोनों कितने आ गए, 65 65, ठीक है। तो अब आपको निकालना है ये, इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हो, 90 प्लस ये पूरा 180 होगा, तो 90 प्लस 65 180 में से घटा दो तो 25 आएगा, या फिर आप ऐसा कर लो कि इसको निकाल लो ये कितना आएगा, और
ये 180 होगा ना टोटल, ये 180 में से आप माइनस करोगे, फिर इसको इसको सम करोगे तो इसे निकालोगे, फिर भी 25 ही आएगा। जब 25 है तो 25 ही आएगा ना। तो गाइस यहीं पे ख़त्म करता हूँ अगला लेक्चर, सेकंड पार्ट भी जल्दी लाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जो है बेल आइकन जरूर ऑन करना है, और प्लीज़ कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है मुझे ज्योमेट्री की वीडियो आपके लिए यूजफुल थी नहीं थी, आपको कंसेप्ट आज का समझ नहीं आया नहीं आया, आगे आप कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव है आपका, कुछ चाहते हो अलग से टॉपिक है आपका, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा कर सकते हो, शेयर कीजिए यार, क्योंकि मेरा एफर्ट मुझे लगता है बेकार ना चला जाए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में ज्योमेट्री के। और आपको हाँ एक चीज़ मैं बताने भूल गया, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या फेसबुक पेज को लाइक कर लो, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, या फिर अपना नंबर नीचे कमेंट कर दीजिए। बाय।